दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ऐसा करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं नमकीन पोहे की नमकीन पोहे और मूंगफली की नमकीन बनाते हैं। जो मैं नमकीन बनाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे ये सब सामानों की ज़रूरत है। ये देखिए इतने सामान की ज़रूरत है मुझे, और इसमें मैंने नमक और मिर्च ऐड नहीं कर रखा है, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मुझे चाहिए पोहा, हरी मिर्ची, मूँगफली, कड़ी पत्ता और ये पुटानी दाल बोलते हैं इसको, भुनी हुई मूँगफली और मखाने, काजू और बादाम। ये मुझे किशमिश, खूब सारी किशमिश, ये देखिए खूब सारे ड्राई फ्रूट, और इन सब सामान से मिलके आज हम नमकीन बनाएंगे, एक बहुत ही अच्छी नमकीन। आप लोग अपने घर में आसानी से बना सकते हो और आराम से सीख सकते हो। तो और ज़्यादा भी इसमें कुछ भी सामान ऐसा नहीं कि जो हमारे पास ना हो, ये सारा सामान हमारे घर में रहता है, आजकल तो हर घर में रहता है, ड्राई फ्रूट वगैरह भी सारे घर में मिल जाते हैं। चलिए मैं अब हम लोग नमकीन बनाना शुरू करते हैं। मैंने रख दिया है गैस पे, तो तेज आंच में मैं इसको गर्म करूँगी ताकि जल्दी जल्दी तेल गर्म हो जाए, और एकदम तेज़ गर्म तेल में ही मैं इनको फ्राई करूँगी। तलना शुरू करते हैं, इसको इस तरह से तलना है ताकि ये तेल में ही अच्छे से फ्राई हो जाए। एक सेकंड भी नहीं लगता इसको तलने में, फट से तल जाती हैं। जैसे हम इसको डिप करेंगे ना तेल में, वैसे ही एकदम से ये फूल जाती हैं। इस तरह से हम लोग इसमें जितना भी तेल निकल रहा है ना, हम इसका निकाल देंगे। ये देखिए अब मैं मूंगफली को तब फ्राई कर रही हूँ। आई पता नहीं दाल की बारी, अब बारी आ गई है मखाने की। यह किशमिश काजू की, सॉरी, बस हल्का सा कलर लाल सा हो गया ना, तो बस इसको निकाल देना है। हमको भी बस डिप करना है और उठाना है, डिप करना है और उठाना है। ये देखिए बस ही, इनको भी ज़्यादा देर ना वो नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे एकदम से। बस ही, और किशमिश को भी हमने ना ऐसे करना है, बस ज़रा सा डुबाना है और फिर निकाल देना है। किशमिश भी एकदम फूल जाती हैं, बस जी देखिए एकदम से फूल रहे हैं। आ रही है कड़ी पत्ते की, तो देखिए कड़ी पत्ते को भी ना हमको ज़्यादा डिप नहीं करना है, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। हमको तो इसको हल्के हाथ से इसको फ्राई करना है। मिर्ची ना इस सारे झरने में फ्राई करूँगी। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कुरकुरा बनने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा बस 15-20 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए एकदम से फ्राई हो गए। देखिए ये नारियल, तो ये देखिए नारियल को मैंने पहले दिखाना भूल गई थी, तो फिर मैंने भी फटाफट काटा और इसको फिर फ्राई किया। तो इसको भी थोड़ा अच्छे से फ्राई करना है, हल्का सा लाल रेड सा आना चाहिए इसमें, तब पता चल जाता है कि ये फ्राई हो गया है। बिल्कुल इस तरह का चाहिए, और ये टुकड़े ना इतने बड़े नहीं थे, लेकिन ये तेल में तलने के बाद इतने बड़े हो गए, फूल गए हैं ये। अभी इनको मैं बाद में काटूंगी। दोस्तों ये सारा मैंने फ्राई कर दिया, देखिए कितना ज़्यादा हो गया, कम से कम इसका वेट करूँगी ना तो 2 kg तक इसका वेट होगा। और इतनी नमकीन हम घर से बाहर से ना कोई ख़रीद नहीं सकते, तो प्लीज़ आप घर में ज़रूर बनाइएगा। मैं इसमें ना मसाले मिलाती हूँ। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे चीनी, जो 2 चम्मच के करीबन है, नमक ये 1.5 चम्मच है, पाउडर और हल्दी पाउडर ये 1-1 चम्मच है। इसमें अमचूर, जो इसके स्वाद को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। अब हम इस मसाले को सारा को मिक्स कर देते हैं, अच्छे तरह से मिक्स कर देते हैं इसको। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना, देखो
हम मार्केट से ना कभी भी इतनी नमकीन हम कभी नहीं खरीद सकते जितना हम घर में बनाते हैं। महाराष्ट्र में ना हर घर में दीपावली के टाइम पे ये सारी चीज़ें बनती हैं घर में, वो लोग खुद से घर में बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं बनाते, बहुत सारा बनाते हैं। हाँ कितनी कुरकुरी है, इसको मुझे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये नमकीन कितनी कुरकुरी हो रखी है। देखिए हर चीज़ परफेक्ट हो रखा है इसमें, थोड़ा सा फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना कुरकुरा हो रखा है देखिए। और मखाने भी इतने अच्छे से टूट रहे हैं, देखिए सब इतने अच्छे से फ्राई हो रखा है इसमें। आपको मेरी बनाई हुई नमकीन तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग पे, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय।